नमस्कार व्यूअर्स, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। व्यूअर्स, आज का विषय है प्राचीन एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट भृगु संहिता में विवाह के बाद लड़की का भविष्य कैसा होगा, इस विषय में इस दुर्लभ प्राचीन ज्योतिषीय ग्रंथ में क्या कहा गया है। आइए व्यूअर्स, इस विषय पर चर्चा करते हैं और जानते हैं इस दुर्लभ प्राचीन ग्रंथ में क्या कहा गया है। मैं बता दूं मित्रों, भृगु संहिता अपने आप में एक मात्र का ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा मान्य ज्योतिषीय ग्रंथ है। इसके पैरेलल में किसी भी ग्रंथ को नहीं माना जाता है। ऋषि भृगु का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। इस पृथ्वी में जितने भी व्यक्ति हैं उन सब की कुंडलियाँ और उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पहले से ही ऋषि भृगु ने लिख दिया है। ये दुर्लभ ग्रंथ कहती है, सामान्यतः सभी माता पिता अपनी कन्या का विवाह करने के लिए वर की कुंडली का गुण मिलान करते हैं। कन्या के भविष्य के प्रति चिंतित माता पिता का ये कदम उचित है, किंतु मित्रों, इसके पूर्व उन्हें ये देखना चाहिए कि लड़की का विवाह किस उम्र में, किस दिशा में तथा कैसे घर में होगा, उसका पति किस वर्ण का, किस सामाजिक स्तर का तथा कितने भाई बहनों वाला होगा। मित्रों, मैं बता दूं, ज्योतिष के अनुसार ये पता किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति के जीवन साथी का स्वभाव और भविष्य कैसा हो सकता है। यहाँ भृगु संहिता के अनुसार हम बात करेंगे कि किसी स्त्री के जीवन साथी का स्वभाव कैसा और उनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। मित्रों, मैं बता दूं, कुंडली का सप्तम भाव विवाह का कारक स्थान माना जाता है। अलग अलग लग्न के अनुसार इस भाव की राशि और स्वामी भी बदल जाते हैं। अतः यहाँ जैसी राशि रहती है व्यक्ति का जीवन साथी भी वैसा ही होता है। लड़की की जन्म लग्न कुंडली से उसके होने वाले पति एवं ससुराल के विषय में सब कुछ स्पष्ट पता चल सकता है। मित्रों, ज्योतिष विज्ञान में फलित शास्त्र के अनुसार लड़की की जन्म लग्न कुंडली में लग्न से सप्तम भाव उसके जीवन, पति, दाम्पत्य जीवन तथा वैवाहिक संबंधों का भाव होता है। इस भाव से उसके होने वाले पति का कद, रंग, रूप, चरित्र, स्वभाव, आर्थिक स्थिति, व्यवसाय या कार्य क्षेत्र, परिवार से संबंध आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यहाँ सप्तम भाव के आधार पर कन्या के विवाह से संबंधित विभिन्न तथ्यों
को भृगु संहिता में विश्लेषण से प्रस्तुत किया गया है। ससुराल की दूरी, भृगु संहिता कहता है सप्तम भाव में अगर वृष, सिंह, वृश्चिक या कुंभ राशि स्थित हो तो लड़की की शादी उसके जन्म स्थान से 90 किलोमीटर के अंदर ही होगी। यदि सप्तम भाव में चंद्र, शुक्र तथा गुरु हो तो लड़की की शादी जन्म स्थान के समीप होगी, ऐसा भृगु संहिता का कहना है। यदि सप्तम भाव में चर राशि, मेष, कर्क, तुला या मकर हो तो विवाह उसके जन्म स्थान से 200 किलोमीटर के अंदर होगा। अगर सप्तम भाव में द्वि स्वभाव राशि मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि स्थित हो तो विवाह जन्म स्थान से 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर होगी। यदि सप्तमेश सप्तम भाव से द्वादश भाव के मध्य में हो तो विवाह विदेश में होगी या लड़का शादी करके लड़की को अपने साथ लेकर विदेश चला जाएगा। मित्रों, शादी की आयु, शादी की आयु के विषय में भृगु संहिता कहती है यदि जातक या जातक की जन्म लग्न कुंडली में सप्तम भाव में सप्तमेश बुध हो और वह पाप ग्रह से प्रभावित ना हो तो शादी 13 से 18 वर्ष की आयु सीमा में हो जाएगी। सप्तम भाव में सप्तमेश मंगल पापी ग्रह से प्रभावित हो तो शादी 18 वर्ष के अंदर में होगी, ऐसा भृगु संहिता का कहना है। शुक्र ग्रह युवा अवस्था का द्योतक है। सप्तमेश शुक्र पापी ग्रह से प्रभावित हो तो 25 वर्ष की आयु में विवाह होगा। चंद्रमा सप्तमेश होकर पापी ग्रह से प्रभावित हो तो विवाह 22 वर्ष में होगा। बृहस्पति सप्तम भाव में सप्तमेश होकर पापी ग्रहों से प्रभावित ना हो तो शादी 27 से 28 वर्ष में होगी। सप्तम भाव को सभी ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तथा सप्तम भाव में शुभ ग्रह से युक्त होकर चर राशि हो तो जातक का विवाह उचित आयु में संपन्न हो जाता है। मित्रों, यदि किसी लड़की या लड़की की जन्म कुंडली में बुध स्व राशि मिथुन या कन्या का होकर सप्तम भाव में बैठा हो तो विवाह बाल्यावस्था में ही होगा, ऐसा प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ भृगु संहिता का कहना है। आइए मित्रों, अब जानते हैं भृगु संहिता का विवाह के वर्ष के विषय में क्या कहना है। भृगु संहिता कहती है आयु के जिस वर्ष में गोचरस्थ गुरु लग्न तृतीय, पंचम, नवम या एकादश भाव में आता है उस वर्ष शादी होना निश्चित समझें, परंतु शनि की दृष्टि सप्तम भाव या लग्न पर ना हो। लग्न या सप्तम भाव में बृहस्पति की स्थिति होने पर उस वर्ष शादी होती है। विवाह कब होगा यह जानने की दो विधियां भृगु संहिता में बताई है। जन्म लग्न कुंडली में सप्तम भाव में स्थित राशि अंक में 10 जोड़ दें, योगफल विवाह का वर्ष होगा। सप्तम भाव में जितने पापी ग्रहों की दृष्टि हो उनमें प्रत्येक की दृष्टि के लिए 4-4 वर्ष जोड़ योगफल
विवाह का वर्ष होगा, ऐसा हमारे प्राचीन ज्योतिषीय ग्रंथ भृगु संहिता का कहना है। जहाँ तक विवाह की दिशा का प्रश्न है, भृगु संहिता कहती है जन्मांक में सप्तम भाव में स्थित राशि के आधार पर शादी की दिशा ज्ञात की जाती है। उक्त भाव में मेष, सिंह या धनु राशि एवं सूर्य और शुक्र ग्रह होने पर पूर्व दिशा वृष, कन्या या मकर राशि और चंद्र शनि ग्रह होने पर दक्षिण दिशा मिथुन, तुला या कुंभ राशि और मंगल, राहु, केतु ग्रह होने पर पश्चिम दिशा कर्क, वृश्चिक, मीन या राशि और बुध और गुरु होने पर उत्तर दिशा की ओर शादी होगी। अगर जन्म लग्न कुंडली में सप्तम भाव में कोई ग्रह ना हो और उस भाव पर अन्य ग्रह की दृष्टि ना हो तो बलवान ग्रह की स्थिति राशि में शादी की दिशा समझें, ऐसा भृगु संहिता का कहना है। सवाल मित्रों ये उठता है कि पति कैसा मिलेगा, लोगों के मन में ये जानने की बहुत इच्छा होती है। हमारी प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ भृगु संहिता कहती है पति कैसा मिलेगा। संहिता कहती है सप्तमेश अगर शुभ ग्रह चंद्रमा, बुध, गुरु या शुक्र हो या सप्तम भाव में स्थित हो या सप्तम भाव को देख रहा हो तो लड़की का पति सम आयु या दो चार वर्ष के अंतर का गौरंग और सुंदर होना चाहिए। अगर सप्तम भाव पर या सप्तम भाव में पापी ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु का प्रभाव हो तो बड़ी आयु वाला अर्थात लड़की की उम्र से 5 वर्ष बड़ी आयु का होगा। सूर्य का प्रभाव हो तो गोरे रंग का आकर्षक चेहरे वाला, मंगल का प्रभाव हो तो लाल चेहरे वाला होगा। शनि अगर अपनी राशि का उच्च ना हो तो वर काला या कुरूप तथा लड़की की उम्र से काफ़ी बड़ी आयु वाला होगा। अगर शनि उच्च राशि का हो तो पतले शरीर वाला गोरा तथा उम्र में लड़की से 12 वर्ष बड़ा होगा, ऐसा भृगु संहिता का कहना है। सप्तमेश अगर सूर्य हो तो पति गोलमुख तथा तेज ललाट वाला, आकर्षक, गोरा, सुंदर, यशस्वी एवं राज्य कर्मचारी होगा। चंद्रमा अगर सप्तमेश हो तो पति शांत चित वाला, गोरे वर्ण का, मध्यम कद तथा सुडैल शरीर वाला होगा। मंगल सप्तमेश हो तो पति का शरीर बलवान होगा, वो क्रोधी स्वभाव वाला, नियम का पालन करने वाला, सत्यवादी, छोटे कद वाला, शूरवीर, विद्वान, भ्रातृप्रेमी होगा तथा सेना, पुलिस या सरकारी सेवा में कार्य करेगा। धन्यवाद मित्रों, आने वाले लेक्चर्स में और भी इससे संबंधित विषय में बात करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, बाय।